और मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, वो जो गाड़ी आई है वो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। आज मोदी हर कोई ओळखे रही है, मैम को छोकरो कोई ओळखे, और बनो एक ही सपनो है कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनाओ। अपने देश में कई सरकार आई नहीं, पण वो पे बनता जर पूछता मार साहब अपने सौपड़ी में लखोड़ो आवतो कि पूरा विश्व में विकसित राष्ट्र कतरो है और विकासशील राष्ट्र कतरो है। विकसित यानी पूरा डेवलप, पूरा हर तरह की सुविधा, और एक धीरे धीरे विकासशील है। आ वाला पसा वाला हो वाला हो जी विकसित हुई भाग हुआ तो वन टाइम में अभी जवाब देता कि यह तो अमेरिका, जापान, यूरोप, रसिया एड़े एड़ो जो मोटो देश है बड़ा रोना मार तो भारत को पटे नंबर 900 नीति। पर 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार अन देश में आई वन फूटी अध्यय की दो मोदी जी कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनाओ है और पूरा विश्व में जो मोटो मोटो देश है अमरीका को वन कैटेगरी में खड़ो करना अपने भारत देश ने, तो वन अपनान पूरु करवा आरू। और मोदी जी खूब योजना बनाई ये अठे तो हजमन 20-30% काउंटर लगो रहे, पर नरेंद्र मोदी की सरकार सैकड़ों योजना निकाली और वे खानारू निकाली के विकसित राष्ट्र बनावनो है। तो खाली मोटी मोटी सिटी रो खाली डेवलप पे तो कोमे नहीं आवे, अन देश रो गांव रो गरीब किसान युवा वर्ग बेरोजगार जो है बनानो पे पूरो रोजगार दे जाओ और गांव रो विकास करे जाओ और किसान ने ओसो लावे जाओ जर वो भारत विकसित राष्ट्र बने। तो बनावी योजना बनाई और योजना भी कैडी के ठेठ अंतिम छोर तक गोमरे में जो ठेठ क्षेत्र में बैठो आदमी है वन तक योजना का लाभ मिले। कड़ी कड़ी योजना पीएम आवास योजना सरकार तो बड़े घड़े आई थी, कभी ये मकान बनाने नहीं तो अपने गरीब परिवार और वो भी गारंटी रहा थे। फैल के देखो बाजिया थोड़े गोमरे में ठापाड़ जो ब्रो थोड़े खेर ने वो वे तो हमें आ वाला बे शहर में नंबर हुई होती गारंटी मुझे जो क्या मोदी की गारंटी है ये वे गारंटी नहीं जो हम ये माजे गड़े ने कहता था कि कर जो माफ करो करियो हम वे बजे दे हम तो ना पड़ा। आ मोदी की गारंटी है याद रख जो थोड़े गोमर में कतई मकान बनिया भाई ये ओकड़ा आटा दीदा भाड़ो बे जरा किसानों और किसान सम्मान निधि योजना है पूरा देश में कतरा किसान लाभान्वित हो रही है। सरकार तो बड़ी घड़ी आई थी कभी किसान और होश की तो कहो 2000 रुपया पूरा साधारण 6000 रुपया प्रत्येक किसान रे खाता में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का लिया। हमें सीधी 12000 की घोषणा की थी डबल की जाए और आवा वाला टाइम में ओपन ठाया गया मोदी की सरकार तो कई पूरा होती आ ली तो ये रुपया बचता ही जाए प्राण ने आधे आधे। आज सरकार आई जरा पूरा योजना रो लाभ ठेठ तक किकन मळे बनारू जन धन योजना रा खाता खोलाए अभी बैंक रे में जाता बिया था मोटा मोटा हेटिया वे तो बना रे खाता वे तो अपने बैंक रे में खातो ही नहीं तो एक रुपये लीधा वगर डायरेक्ट जीरो बैलेंस थी खाता खोलाया। और बनो मकसद एक ही तो कि 2017 में सरकार आई है अपनी योजना बनावे हो पर अन्ना योजना रा रुपया हमारे गरीब के परिवार तक जाए के नहीं जाए ठीक है। वन टाइम की सरकार कहती कि 1 रुपया केंद्र दी आवे वे पात्र परिवार ने खाली 10 रुपये मिले उसमें 90 रुपया खाई जाए तो जन धन का खाता खोले और जितना भी रुपया आवे सीधे थोड़े खाता में आवे। कभी कभी बढ़िया योजना बनाई तो वन बाद में सारी योजना शुरू की थी और सीधा ना सीधा 100% रुपया थोड़े खाता में आवे। हमने आधे आधे एक विश्वकर्मा योजना भाई साहब थोड़ा रुक जाओ तो मिल जाएंगे सबको आप मोदी की गारंटी है। हाँ विश्वकर्मा योजना अपने गांव में छोटा छोटा जो परिवार छोटी छोटी जाति है कोई सोनी है कोई दाई है कोई कुंभार है सुधार है और मोटी मोटो खेतर ने वे तो जमीन नहीं बेती और खुद रो धंधो वे और धंधो करवा आरू कन्ने पे रुपया नहीं बेता जर काम करता वो हमें हेटिया हावकारों पे जाता अन बे बे पोस पोस रे बे रुपया लाता अन धंधो चालू करता। तो मैं आदमी रिकॉर्ड ही इतनी बेती
पोसरा व्याजी रुपया लावे तो धंधो चालू है तो छोकरो नहीं पाले एक तो खाली व्याज दे है के व्याज दी है कि बीजू कोई नहीं करे तो आज विश्वकर्मा योजना में सिर्फ 5% व्याज यानी 40 रुपया व्याज की तुम 5 लाख रो लोन अंतिम मोटी काड़ी योजना में टेढ़ी बात है मारी बात होगलो एक मिनट सिर्फ 2 मिनट जितनी योजना है वे दी आई नहीं कण क्रांति नहीं भाई में हो तो एक बात ध्यान रख दो राजस्थान में कोयला बहुत बढ़ती जो सरकार थी बड़ी योजनाएं बड़ी सरकारें केंद्र की योजना लागू नहीं वाली थी एक मोटा उदाहरण आयुष्मान भारत योजना भाजिया होबड़ो और ध्यान मारे हम है को आयुष्मान कार्ड योजना एक नरेंद्र मोदी जी भाई साहब एक मिनट पूरा देश रे में 5 लाख रुपया रो कटे भी थे इलाज करावे एक वो योजना खाली राजस्थान में लागू नहीं हुए वाली थी और बने अटल चिरंजीवी योजना निकाली और बने चिरंजीवी योजना रो मतलब कहा तो खाली राजस्थान रे में इलाज करावे एक तो बनो अपन लाभ नहीं मिले अभी गुजरात जाता जरा देखती रुपया खर्च करता तो वो आयुष्मान कार्ड हमें ते लागू हुई सरकार बदली पड़ी है राज बदली हुआ है ये भाई साहब हमारे एक बिजली की शिकायत लेना है था लाइट भी के मोन ट्रांसफार्मर नहीं मिलता तो मैं अपने आश्वासन दो कि अपने राजस्थान में भी हमें राज डबल इंजन की सरकार आई रही है मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में भी जो कम फौसला फौस पड़ती नहीं हुआ तो 100% हमें बेड़ चालू हुई राजस्थान में भी अपनी सरकार आई रही है तो निश्चित रह जो और पूरा देश रो कतरो विकास हुआ है और वो विकास अपन देखवान मिली बाकी जो है तो विभाग आया है यहाँ विभाग और हमें आप सबने निवेदन करो कि कोई अगर थे फंड कोई समस्या आवे तो मरा जो कार्यकर्ता हूँ भाई उड़न से के जो थोड़ी समस्या रो आता आज समाधान भाई आदरणीय एसडीपी साहब जी तहसीलदार साहब है और एक मैं यहाँ निवेदन भी करूंगा आदरणीय एसडीपी साहब से कि प्रशासनिक जो अधिकारी है मैं काफी शिविरों में घुमाऊं पिछले 5 सालों में जो राज था उस राज में काम करने की मानसिकता काफी लोगों की नहीं थी अगर यहाँ भी ऐसा है तो समय रहते आप उन पर शिकंजा कसे क्योंकि अब राज बदल चुका है अब राज परिवर्तन हो चुका है ऐसा आप ढीला ढाला लिपा तोपी वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा काम करना ही पड़ेगा ये आपसे निवेदन करता हूँ इसलिए तुरंत आप देख लें किसी के काम करने की इच्छा नहीं है तो किसी को घर भेज दें या दूसरी जगह भेज दें काम सबका होना चाहिए अब इस शिविर के माध्यम से आपको जो लाभ मिल है और जो आवेदन भी रही है अगर थोड़ा कम कोई नहीं हुआ तो अटारा ग्राम सेवक जी पटवारी जी और अपने ते वाला 2-3 दिन मरे को शिविर तो हमारे घंटा भर में खत्म गई ब्रो पर फिर भी थोड़ा कम बाकी में तो ग्राम सेवक जी कौन पकड़े लाभ जो थोड़ा कम हुई नहीं वे तो अरे पैसा बैठा है अपने मंडल अध्यक्ष बैठा है और हमसे फोन कर दो वो आप रो कम करो क्योंकि हमें वो राज नहीं रही और राज परिवर्तन पूरा कम आप रो करना होगी और वाला 2-3 दिन पोस्टन और ग्राम सेवक जी भी बैठे आपसे भी निवेदन रहेगा या जितने भी आवेदन आए हैं अगले 4-5 दिनों में उस सबका समस्या का समाधान आप करवाएं ऐसा आपसे निवेदन रहेगा आपने मुझे मान सम्मान दिया बोलने का मौका दिया इसलिए खूब खूब धन्यवाद।